इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि मेरा मूड ऑफ है। मूड ऑफ बहुत ही तगड़ा मूड ऑफ था। और मूड ऑफ क्यों था कि मेरी यूट्यूब वालों ने वीडियो डिलीट कर दिया। गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जाकिर अंसारी। तो कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, बहुत ही जगास। आई होप आप भी बहुत बढ़िया होगे। इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि मेरा मूड ऑफ है। मूड ऑफ बहुत ही तगड़ा मूड ऑफ था। और मूड ऑफ क्यों था कि मेरी यूट्यूब वालों ने वीडियो डिलीट कर दिया। गाइस यूट्यूब वालों क्या करते हो आप लोग? मैंने कुछ भी नहीं करा था, ना उस पर स्ट्राइक आई थी, ना कुछ आया था, कुछ भी नहीं आया था। मेरे भाई यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दी मेरी वीडियोज़ जो 3 मिलियन लग चुकी थी, मतलब 3 मिलियन लगने वाली थी मेरी वीडियो, वो डिलीट हो चुकी है। और एक ब्लॉग भी मेरा मतलब 20,000 होने वाले थे उस पर व्यूज़, वो भी मेरे डिलीट हो चुकी है। और बट पता नहीं क्यों हो गए यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है जब से कि मेरी यूट्यूब वालों ने वीडियो डिलीट कर दी। अब देखते हैं क्या होता है, आती नहीं आती वीडियो मेरी। मैंने ना मेल भी कर रखा है यूट्यूब वालों को। मैंने करीब करीब जब मेरी वीडियो डिलीट हुई थी ना, 2 दिन वेट करा मैं, चलो कोई नहीं आ जाएगी, ग्लिच होगा, यूट्यूब का ग्लिच होगा, आ जाएगी। बट गाइस वीडियो नहीं आई। मैंने इतना वेट करा मैं, यार कोई नहीं 2 दिन वेट कर लेता हूँ, आ जाएगी, पर नहीं आई गाइस वीडियो। फिर मैंने मेल ही करवाया, मैंने भैया से बोला भैया मेल कर दो, क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे है। तो फिर मैंने मेल करा यूट्यूब वालों को, उस मेल करे हुए ना 5 दिन हो गए गाइस, अभी तक उस मेल का रिप्लाई नहीं आया है। उस मेल का रिप्लाई अभी तक नहीं आया। मेरा मूड ऑफ अभी भी ऑफ है कि मेरी जब वीडियो नहीं आती मैं जब तक व्लॉग नहीं डालूँगा अपने। मैंने ये ठाना हुआ है मेरी जब तक एक भी वीडियो नहीं आ जाए, दोनों में से अगर एक भी आ जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो आए कम से कम मेरे को सबर हो जाएगा कि हाँ मेरी वीडियो आ रही है, करीब मतलब दूसरी भी आ जाएगी, एक आ गई तो दूसरी भी आ जाएगी। मैंने ये सोचा हुआ है कि जब तक मैं व्लॉग नहीं डालूँगा जब तक मेरी वीडियो नहीं आ जाती वापस। ये जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ अभी इस समय, ये एक्चुअली ये टाइटल ही यही है कि मेरी वीडियो डिलीट क्यों हुई। ये मैं बताना चाहता था सबों को कि मेरी वीडियो डिलीट क्यों हुई थी और क्यों मेरा मूड ऑफ था। इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि भाई क्या हो गया, मूड ऑफ क्यों है, क्यों है, क्यों है। मैं इसलिए ये बताना चाहता था गाइस मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी है और इसलिए मेरा मूड ऑफ था। मैंने किसी को रिप्लाई नहीं करा था, मैं उस समय बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, इसलिए बस मेरा रीज़न ही यही है ये वीडियो बनाने का, मेरी वीडियो क्यों डिलीट हुई और कैसे क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों था कुछ दिन पहले। मेरा रीज़न यही था, मतलब क्या बताओ यार, कोई नहीं। फिलहाल अभी मैं आया हूँ यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए। ये रहा देखो कैमरा का बैग और मेरी धन्नो, इस पर भाई अभी हमने फ़ोटो शूट करी है। इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूजर नेम आ चुका होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक है और जाके फॉलो करो गाइस। मैं वहाँ पे वीडियो आने से पहले पहले अपडेट देता रहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब अपडेट देते रहता हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं करा कर लो। तो भाई अभी यहाँ से चलते हैं। तो गाड़ी मैंने बताया ज़्यादा फ़ोटो नहीं खींची क्योंकि रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, एक्चुअली 6 बज गए। देखो गाइस 6 बज चुके हैं, गाइस 6:10 क्योंकि 10 मिनट पीछे है मेरी घड़ी, 6:10 हो चुका है और थोड़ी बहुत शाम हो चुकी है। हम अब जा रहे हैं घर पे जाने के बाद देखता हूँ क्या करता हूँ क्या नहीं करता। तो गाइस ये है मेरी वीडियो और ये बता रहा है और यहाँ पे ये देखो आया भूसा फैट एस ट्रेंडिंग सॉन्ग, और ये वाली वीडियो मेरी डिलीट हो चुकी है और अभी तक भी कोई मेल नहीं आया था मेरे पास कुछ भी, मतलब ये देखो मेरे पास मेल नहीं आया था, बिना मेल करे यूट्यूब वालों ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी है। मैंने मेल करा था, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अब रिप्लाई नहीं आया तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ये वीडियो बना दूँ, आपको बता दूँ कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ, उसके बाद जाके मैं वीडियो डालूँ। मैंने तो वैसे सोचा हुआ था कि मैं नहीं भी डालूँगा जब तक मेरी वीडियो नहीं आएगी, बट कब तक नहीं डालूँ। मैं सोचा चलो कोई नहीं, एक वीडियो बना देता हूँ उसके ऊपर कि वीडियो डिलीट क्यों हुई, क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं वीडियो डालूँ। अब ये जो मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ ना, ये जो मैं डालूँगा उसके बाद जाके मैं वही वाली जो वीडियो मेरी डिलीट हुई है वही वापस मैं रीपोस्ट करूँगा। मतलब एक तो शॉर्ट्स जो मेरी डिलीट हुआ है, जो मेरी 3 मिलियन लग चुकी थी, और एक मेरा व्लॉग, मेरे बर्थडे पे मिला मेरे को इतना बड़ा गिफ्ट, एक वो, मतलब दोनों मैं रीपोस्ट करूँगा। पहले मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो रीपोस्ट करूँगा, उसके बाद मैं अपना व्लॉग रीपोस्ट करूँगा। और मैंने एक व्लॉग भी बना रखा है, मैं गांव गया था अभी अपने, आपको पता ही है इंस्टाग्राम पे देखते होगे, मेरे को फॉलो कर दोगे, तो मैं भी गांव गया था, मैंने वहाँ भी एक व्लॉग बनाया था, उसको भी मैंने अभी तक एडिट नहीं करा। अब मैं सोच रहा हूँ ये सब वीडियो, तीनों वीडियोस डाल के जो मैं भी शूट करा हुई है, और शॉर्ट्स वीडियो पुरानी वाली रीपोस्ट थी वो जो डिलीट हुई है, और एक जो व्लॉग मेरा जो डिलीट हुआ है वो रीपोस्ट करके दोनों, उसके बाद जाके मैं वाला व्लॉग डालूँ और
फिर चैनल पे कंटिन्यू करूँ अपने चैनल के अलावा। यहाँ से देखो गाइस सब वीडियो है मेरी, सब यहाँ से लेकर अभी तक एक साल पहले की सब वीडियो है। बस जो मेरी पॉपुलर वीडियो थी ना, मोस्ट पॉपुलर, जिस पर 3 मिलियन थे और 20,000 ब्लॉग पे 20,000, मतलब वही मेरा डिलीट हो चुके हैं। कोई नहीं, अब देखते हैं क्या होता है, आती है नहीं आती। हमने मेल भी कर रहा है यूट्यूब वालों को, अब 7 दिन हो चुके हैं आज, अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। देखते हैं, अब कोई नहीं, आता ही नहीं आता। फिर भी मैं वीडियो डाली दूंगा, वही वाली रीपोस्ट कर दूंगा मेरे पे, क्योंकि रो डेटा भी पड़ा है, एडिट होया हुआ भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। मैं रीपोस्ट कर दूंगा वाला ब्लॉग और शॉर्ट्स वीडियो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।